ताज इसका इंतजार आ गया वो शाहकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर लिया है और इस स्क्वाड के अनाउंस करने के लिए इतना इंतजार और स्क्वाड अनाउंस करने के बाद सेम टीम अगर आपने खिलानी थी तो इतने ये चार पांच दिन आपने क्यों लिए, चार पांच दिन आपने बैठ के मीटिंग्स में क्या करते रहे? सिर्फ यही कि हम जो स्क्वाड अनाउंस करने जा रहे हैं कि लोग इसके ऊपर तनकीद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या यही आप मीटिंग में सोचते रहते थे? क्योंकि स्क्वाड में तब्दीली नहीं हुई ना, एक हसन अली के आए हैं, वो तो नसीम शाह इंजर्ड थे, वो तो लाजमी थी वो तब्दीली, बाकी तो कोई भी नया प्लेयर हमें नजर नहीं आया कि ये वर्ल्ड कप सेम स्क्वाड है एशिया कप वाला। और इस स्क्वाड को अगर टाइटल दोगे तो यही कहोगे कि हम हारे या जीते हमने अपनी यारियां खत्म नहीं करनी, क्योंकि आपने तो अगर जिसको लाए हो हसन अली की परफॉर्मेंस कहाँ है, कहीं पर परफॉर्म क्या हो तो बंदा बोलता है कि हाँ यार उसने परफॉर्मेंस करके दिया है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है, फला जगह पे परफॉर्मेंस दिया है जिसकी वजह से नसीम शाह अगर बाहर हो गए तो उसकी जगह इसकी बनती है जगह। परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बस यारियाँ और दोस्तियाँ चलाई हैं उनको, उसके जो ना रोटी गेंग को जो है ना शामिल किया है। और अब अगर हसन अली जो है ना नाकाम होते हैं तो फिर इनके पास जवाब नहीं होगा कि हसन अली ने पास में क्या कर दिखाया था जिसको आपने स्क्वाड में शामिल किया है। स्क्वाड में तो तभी शामिल किया जाता है जब पास में कुछ किया हो, जब पास में आपने कुछ नहीं किया तो आपने स्क्वाड में भी शामिल कर लिया। अगर स्क्वाड वर्ल्ड कप में कुछ कर भी ना दे, परफॉर्मेंस ना दिखा सके तो फिर आप तो बेबस नजर आओगे। लेकिन जैसे आप अभी आपसे पूछा गया कि जो ना एशिया कप में आपने जो बेंच पे बैठे हुए लोग हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया, फिर आपके पास जवाब नहीं था। तो पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर लिया है, आपको स्क्वाड स्क्रीन पर नजर आ भी रहा है कि बस सिर्फ एक हसन अली की जो ना तब्दीली हुई है, बाकी फहीम अशरफ की छुट्टी हो गई है और नसीम शाह पहले से ही जो ना इंजर्ड है, तो वो वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा मिस नसीम शाह को हम करेंगे। एक मैं नहीं हो, इंडियन क्रिकेट फैंस भी नसीम शाह को बहुत मिस कर रहे हैं। और जो रिजर्व प्लेयर में मोहम्मद हारिस इब्रार अहमद और जमान खान को शामिल किया गया है, ये रिजर्व में जाएंगे, बाकी 15 मेंबर स्क्वाड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सेम टू सेम एशिया कप का स्क्वाड है। एक हसन अली की एंट्री हुई है, आप हसन अली की एंट्री से कितने मुतफिक हो कि नहीं हसन अली सही है स्क्वाड का हिस्सा बना है, हसन अली की जगह बनती थी, या हसन अली की जगह जो ना जमान खान को शामिल करना चाहिए था, एहसानुल्लाह या मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दानी, आमिर जमाल, अमाद भट्ट, इनमें से किसी को शामिल कर लेना चाहिए था? आपको हसन अली की शमूलियत पे हैरानगी हुई है या नहीं हुई है? मैं तो एग्री नहीं करता हसन अली की शमूलियत से, क्योंकि हसन अली ने परफॉर्मेंस अगर दिखाई होती तो हम मानते, परफॉर्मेंस कहीं दिखाई नहीं है, टीम में लेकर आ गए हैं तो अब दुआ यही करेंगे कि वर्ल्ड कप में आप कुछ अच्छा कर ले, पाकिस्तान का नाम रोशन कर ले, ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप में भी हम जो है ना नीचे वाले नंबर पर फिनिश करें जैसे हमने एशिया कप में नंबर 4 पे फिनिश किया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया तीनों हमसे जो ना टॉप पॉइंट टेबल में टॉप पे है और एशिया कप हम चौथे नंबर पे हमने फिनिश किया है, ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप में भी हम इस तरह से फिनिश करें।